जेल एवं सुधार विभाग तेलंगाना के पूर्व डीजीपी वीके सिंह बक्सर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बिहार के विकास के लिए वो महापरिवर्तन अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत वह गांवों में जा रहे हैं और लोगों को यह जागरूक कर रहे हैं कि बिहार के विकास में वह अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर समितियों का निर्माण किया जाएगा जिसमें ऐसे लोग होंगे जो बिहार के विकास के लिए संकल्पित होंगे तथा उसके लिए कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक दलों को इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वह अब केवल अच्छे लोगों को ही अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। ऐसा होने पर बिहार के विकास को कोई नहीं रोक सकता। पूर्व डीजीपी के साथ महापरिवर्तन आंदोलन से जुड़े मनीष चतुर्वेदी, शेर खान, विनय कुमार सिंह, श्रीकांत पांडे तथा कीनो उपाध्याय मौजूद रहे। महापरिवर्तन आंदोलन बिहार को इस दुरावस्था से निकालने के लिए एक गैर राजनीतिक प्रयास है। हमारा मानना है कि कोई भी राजनेता और कोई भी राजनीतिक दल बिहार का पिछले 75 सालों में कोई विकास नहीं कर सके और अगले 75 सालों में भी इसका वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ के जातिवादी नेता, अधिकारी और जातिवादी अपराधी अपनी अपनी जातियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं उनकी इस भावनाओं को बाद। इसलिए महापरिवर्तन आंदोलन के 5 उद्देश्य हैं। पहला, गांव का झगड़ा गांव में फैसला करना। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार। तीसरा, गांव को पूरा स्वच्छ रखें ताकि बीमारी न हो। चौथा, अन्याय और भ्रष्टाचार का पुरजोर मिलकर एकजुट होकर विरोध करें। और पाँचवा, हर एक पार्टी को मजबूर करें कि वो टिकट अच्छे उम्मीदवार को ही दें। इसलिए पार्टी, जाति और धर्म से परे हटकर अच्छे उम्मीदवार को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, उसको हम लोग वोट दें।